पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिस पर बीडी लंब है दिया है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। रचना, हमने भुजा एसी पर बीडी लंब खींचा। बीडी लंब एसी पर खींचा। क्योंकि त्रिभुज की मध्यिका दो त्रिभुजों को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इसलिए ए त्रिभुज की समानुपाती भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। इसका त्रिक गुणा कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी। समीकरण एक, क्योंकि त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इसलिए सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। इसका त्रिक गुणा करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर आएगा सी डी प्लस ए सी। सी डी गुणे ए सी। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी प्लस
सी डी गुणे ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से ए सी कामन ले लेंगे तो ये ए डी प्लस सी डी एक कोष्टक में आ जाएगा। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ये ए सी ए डी प्लस सी डी होगा ए सी, तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है।